गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अर्नब, ये क्या डीपी लगाए हो बताओ? सॉरी सर, चेंज करते हैं अभी। चेंज करो, और अगर तुम्हारे पास कोई फोटो है यस जिसमें सर। तुम यूनिफॉर्म में हो विथ आई कार्ड, वैसा वाला फोटो, ठीक है? श्योर सर, रिज्वाइन होते हैं सर 2 मिनट में। ओके, श्योर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों हो तुम लोग? सर क्लास चल रहा है, ओएस का भी अटेंडेंस ले रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, क्लास चल रहा है अभी। तो हम लोग को पढ़ना है एक्सेल, ठीक है? एडवांस एक्सेल। तो सबसे पहले तो हम लोग एक्सेल शुरू करेंगे, और एक्सेल में जो एक्सेल का जो एबीसीडी है वो सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, और हमारा वो एडवांस एक्सेल ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा उसी में। एडवांस एक्सेल मतलब कि एक्सेल को डीपली जानना है ना? वी हैव टू नो एक्सेल इन वेरी डीप। तो एक्सेल के बारे में तो थोड़ा बहुत तो सबको पता है, ठीक है? एक्सेल के बारे में, एमएस वर्ड के बारे में, तो जिस समय तुम्हारे पास सिस्टम होता है, और अब तो सिस्टम की आवश्यकता भी नहीं है, हमारे मोबाइल में भी सारा का सारा डॉक और एक्सेल खुलता है। यूज करते हो तुम लोग के नहीं? यस सर। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो एक मिनट हम खोल लें पहले। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? आई एम नॉट वेरी फाइन, बट तबीयत खराब थी, थोड़ा थोड़ा रिकवरी में टाइम लगता है। यस सर। तो एक दो दिन और लगेगा, फिर एंड फाइट। ओके सर।
देखो जैसे जिस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं था, जिस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं था उस समय भी ऑफिसें तो होती थी, ऑफिसों में काम भी होता था, ठीक है। और जब वो काम सारा का सारा काम मैनुअली हो रहा था, ठीक है, रजिस्टर पे पेन से और स्केल लेके खींचना और रजिस्टर में काम करना, प्लेन A4 साइज का पेपर पे काम करना, ये सब काम तब भी होता था जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं था। ओके, तो धीरे धीरे हमारे पास कंप्यूटर आया और कंप्यूटर का जनरेशन वगैरह तुम देखे हो, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। और जब हमारा कंप्यूटर इस लायक हुआ कि उस पर कुछ वैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा सके जो ऑफिस में रोजमर्रा के डेली नीड का जो काम है ना मेरा, वैसा काम अगर हम कंप्यूटर पे कर पाते उस लेवल पे जब हमारा कंप्यूटर आया, तो सबसे पहला काम माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि वो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऑफिस में जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो सकता था उसको उन्होंने बनाना शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहला काम, अगर किसी ऑफिस में हम जाते हैं तो देखोगे क्लर्क है, बड़ा बाबू है, कुछ नोट कर रहे हैं, कुछ लेटर लिख रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, वैसा काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब टेक्सचुअल राइटिंग का काम, ठीक है। तो टेक्सचुअल राइटिंग का काम जब हुआ तो उसके लिए पहले से तो वर्ड पैड था ही, और हम उसको और अच्छे से एडिट कर सके और बेटर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक वर्ड प्रोसेसर लेके आया। माइक्रोप्रोसेसर ने एक वर्ड प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा गया वर्ड, ठीक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का था इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं पूरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये तो सारा काम हो गया, एक ऑफिस में सब लोग बैठे थे और किसी का काम था सिर्फ टेक्स्ट का काम करना और किसी का काम था अकाउंट्स का काम करना, डेटा का काम करना, कौन कितना दिन आया, एब्सेंट नोटिस करना, सैलरी बनाना, कहां से कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, मतलब वो डेटा का काम करना था, और किसी का काम था सिर्फ लेटर बनाना, ऑर्डर देना, ऐसा सा काम। तो वो सब काम जो सिर्फ टेक्स्ट वाला था वो तो माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एड्रेस किया बाय एमएस वर्ड। ओके, अब तो जितना भी जो बड़ा बाबू थे सबका काम आसान हो गया, कुछ करना नहीं था, अब पेन चाहिए था ना, पेन चाहिए था ना पेज चाहिए था, सीधे कीबोर्ड उठाए, खटाखट लिख दिए, प्रिंट किए, बड़ा बढ़िया से प्रिंटिंग निकल गया, कहां अंडरलाइन, कहां बोल्ड, कहां इटैलिक, सब कुछ निकल गया। अब रहा कि भाई जितना भी अकाउंट्स वाले थे जो डेटा वाले काम जो थे वो बोले कि भैया ऐसा कैसे चलेगा, हम ऐसे ही करेंगे, हमको भी तो कुछ दीजिए। तो बाकी सब लोग डोंट वरी, हम तुम्हारे लिए भी काम किए। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो। तो स्प्रेडशीट नाम से एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने दिया उन लोगों के लिए जो डेटा के साथ काम करते थे, जिनका काम डेटा का था, ठीक है, उसका नाम रखा गया स्प्रेडशीट। क्यों रखा गया स्प्रेडशीट, उसके बारे में बात करेंगे, अभी हम लोग समझते हैं। स्प्रेडशीट का काम हो गया तो जो बड़े बाबू थे वो खुश, और जो अकाउंट्स और डेटा वाला काम कर रहे थे वो भी खुश। अब अपर लेवल मैनेजमेंट में जिनको प्रेजेंटेशन बनाना था, ठीक है, जिनको क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दिखाना कि देखिए मेरे पास ये आइडिया है, हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो वो पहले क्या करते थे ना कि वो आता है ना चार्ट पेपर पे वो ड्राइंग बनाते थे, वो सारा डिटेल बनाते थे, और जब क्लाइंट आएगा किसी को करना है तो 10 पेपर एक के बाद एक लगा देते थे। पहला वाला पेपर को एक्सप्लेन करते थे, पहला वाला पेपर टीयर ऑफ करते थे तो दूसरा वाला पेपर सामने आ जाता था, उसको दिखाते थे कि देखिए ऐसा 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 है, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन जो हम लोग आज पावर पॉइंट में करते वो काम कर रहे थे। तो बोले कि भाई एमएस वर्ड तो बना दिए, एक्सेल बना दिए, हमारा क्या, हमको भी तो प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है, तो हमारे लिए कुछ कीजिए। तो बोले ठीक है, तो उन्होंने पावर पॉइंट ही बना दिया, चलो। तो ऐसा करते करते उन्होंने ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो ऑफिस में काम आने वाले हैं, जो डेली नीड के ऑफिस के यूजेज के लिए थे, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट का उन्होंने एक बंडल बनाया और उस बंडल का नाम रखा
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, समझ में आई बात? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वो तमाम सॉफ्टवेयर हैं जो किसी भी ऑफिस में यूज होने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लोग को टारगेट किया गया, हम लोग का जो टारगेट जो टॉपिक है वो है एक्सेल स्प्रेडशीट। तो अभी हम लोग देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 एंड दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय सॉल्विंग बेसिक ऑफिस टास्क एंड इंप्रूव वर्क प्रोडक्टिविटी। कल तक जब हमको सिर्फ A4 साइज पे हाथ से एप्लीकेशन लिखना होता था, उसको स्पेलिंग करेक्ट करना पड़ता था, उसको फिर ठीक से करना, पहले रफ किए, फिर फेयर किए, फिर ये किए, फिर वो, तो दिन भर में जितना काम हम तब कर पा रहे थे और सॉफ्टवेयर आने के बाद जो हम काम कर पा रहे थे, तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी। वो उन सारे केसेस में था जिसमें वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा था। ईच एप्लीकेशन इज डिजाइन टू एड्रेस स्पेसिफिक टास्क सच एज वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटा मैनेजमेंट, मेकिंग प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग ईमेल्स, ठीक है। एमएस ऑफिस यूज्ड बाय ओवर अ बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड, ओके। कैसे कैसे कब कौन कौन का रिलीज आया, एक नजर इस पे भी डालते हैं हम लोग। 19 नवंबर 1990 को सबसे पहला जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था फॉर विंडोज, उसके अंदर वर्ड जो था उसका जो वर्जन दिया गया था 1.1, एक्सेल 2.0 एंड पावर पॉइंट ऑल्सो 2.0, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्जन आया था वो 4 महीने बाद, 4 नवंबर 1991 को, दैट वाज ऑफिस 1.5, और उसमें वर्ड वही था, 1.1 ही था, एक्सेल को इंप्रूव करके 3.0 कर दिया गया था और पावर पॉइंट भी वही था। अच्छा, जब हम वर्सन की बात करते हैं तो ध्यान देना कि यहाँ पे डॉट लिया गया है, डॉट के लेफ्ट साइड में कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डॉट के राइट साइड में एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज 1.1 और 2.0 समथिंग लाइक दैट। ये क्या है? देखो, वर्सन को ऐसे समझते हैं कि हम जब एक्स डॉट वाई की बात करते हैं तो वाई जो है, वाई है वो माइनर वर्सन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अपने सॉफ्टवेयर में अगर हम कुछ माइनर चेंज कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने माइनर वर्सन पे काम किया, और जब हम एक्स पे काम करेंगे तो हम बोलेंगे कि एक्स वर्सन पे काम किया। जैसे अगर 1.1 अगर 1.2 होता है तो मतलब वर्सन में माइनर चेंज है, लेकिन एक्सेल 2.0 से 3.0 होता है तो ये मेजर चेंज है। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, तो मेजर डॉट माइनर है ना, मेजर डॉट माइनर। तो ऐसा हम करते हुए सारा का सारा ऐसे 91 में आया, 92 में आया, फिर 92 तुरंत 92 में दोबारा आ गया 3.0, और चूंकि ये स्टार्टिंग फेज था तो जैसे जैसे सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था वैसा सा फीडबैक भी मिल रहा था, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये भी होता तो अच्छा होता, ये भी तो अच्छा था, और माइक्रोसॉफ्ट बहुत प्रॉमिसिंग था इस मामले में, और जितना डिमांड आता गया सारे डिमांड को वो फुलफिल करता गया और वेरी फ्रिक्वेंट उसका वर्सन चेंज होता गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2.0 से 6.0, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज और बताते तुमको, सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि 2.0 के बाद 3.0 नहीं बना होगा या 4.0 5.0 नहीं बना होगा, ठीक है, लेकिन वो रिलीज नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ बग्स होंगे, कुछ कमियां होंगी, इसलिए उसको रिलीज नहीं किया गया, और तब 6.0 बना तब ये रिलीज हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझना कि 2.0 के बाद सीधे 6.0 हुआ ऐसा नहीं हुआ, इसके बीच में बहुत सारे वर्सन बनाए गए थे जिसमें किसी कारणवश उसमें बग हो, कमी हो, कुछ और बिटरमेंट हो सकता था, इस कारण से उसको रिलीज नहीं किया गया, ओके। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ऑफिस में कंपोनेंट क्या क्या दिया था माइक्रोसॉफ्ट ने। पहले स्टार्टिंग में तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही था, बाद में मेल भी आया था, ठीक है। ये मेल क्या था? आउटलुक एक्सप्रेस का नाम तुम लोगों ने सुना है? यस सर। क्या है आउटलुक एक्सप्रेस? यस सर।
क्या है आउटलुक स्पेस, क्या है बताओ? ओके नो प्रॉब्लम। देखो हम लोग तो ये तो पता है ना कि हम लोग एकदम अर्ली सिस्टम की बात कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में, तो जिस समय कंप्यूटर अभी यूज होना शुरू हुआ था और उसी समय नया नया इंटरनेट का भी प्रादुर्भाव हुआ था, नया नया इंटरनेट आया शुरू हुआ था, और हम नया नया जब जब ऑफिस में इंटरनेट आया और मेल हम लोग करना शुरू किया, अभी तक जो चिट्ठी पत्र लिख रहे थे, रजिस्ट्री कर रहे थे, कुरियर से भेज रहे थे, अब हम लोग मेल करना शुरू किए, ठीक है, तो ऑफिस में मेल का काम भी बहुत हो गया, मेल का काम भी बहुत हो गया, हमको बहुत सारा मेल पढ़ना था, बहुत सारा मेल भेजना भी होता था, और इंटरनेट चूंकि एकदम अपने एकदम अर्ली स्टेज में था तो इंटरनेट बहुत ज्यादा रोबस्ट नहीं था, कभी नेटवर्क आएगा कभी जाएगा, क्योंकि नेटवर्क बहुत उस समय महंगा भी था, तो हम एनी टाइम हम नेटवर्क कनेक्टेड करके नहीं छोड़ सकते थे, ठीक है, तो हमको क्या करना था बताओ, हमको ऐसा सिस्टम चाहिए था कि हमको जितना मेल भेजना है सारा मेल हम ऑफलाइन हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सके, ऑफलाइन मेरे पास इंटरनेट नहीं है लेकिन हमको तबरेज आलम को मेल भेजना है, तुम लिखेंगे टू तबरेज आलम सब्जेक्ट दिस वन और मेल लिख दिए सेव कर दिए, ठीक है, एक मेल हमको विक्की राज को लिखना था तो टू विक्की राज लिखे सब्जेक्ट लिखे मेल लिखे सेव कर दिए, सारा का सारा मेल दिन भर में हम किए, दिन भर में मान लो हम 30 मेल लिख दिए, भेजे किसी को नहीं है, भेजे किसी को नहीं है, उसके बाद जब हमको अब मेल भेजना है, अब नेटवर्क मिलेगा हमको, तो जैसे ही नेटवर्क मिलेगा हमको इंटरनेट चालू हुआ, मेरा ये जो रेसिपिएंट मेल है ये सॉफ्टवेयर सारे मेल को पुश कर देगा, जो मेल हम ड्राफ्ट करके सेव करके रखे हुए सारा मेल समझे एकदम ततड़ा के सब चल जाएगा, जैसे ही नेटवर्क मिला फटाफट, और सेम टाइम में मेरे इनबॉक्स में जितना मेल है वो सब डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में, ताकि हम ऑफलाइन पढ़ सके, समझ रहे हो बात को? ठीक है, ये दो काम हो गया मेरा, तो ये काम होने से कितना आसान हो गया बताओ, पता चला कि हमको शर्मा जी फोन किए कि हम मेल भेजे चेक करिए, तो हम गए देखे नेट नहीं है, बोले शर्मा जी होल्ड कीजिए नेट आएगा तो चेक करके बताएंगे, तो इसे तो चलेगा नहीं काम, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरा एक टूल हो गया ऑफिस के लिए, ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट के पास एक खास बात क्या था ना कि वो समय समय पे बहुत सारा टूल ऐड भी करता गया, अगर उसका यूजेज नहीं है तो उसको हटाता भी गया, ठीक है, तो पावर पॉइंट आ गया, मेल आ गया, यहां देखो एक्सेस क्या है, एक्सेस डीबीएमएस का नाम सुने हो? यस सर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे छोटा डीबीएमएस था जो ऑफिस के साथ बंडल करके दे रहा था, ठीक है, ऑफिस के साथ बंडल करके मिल रहा था, दैट वाज एब्सोल्युटली फ्री समझो, मतलब कि हमको वर्ड चाहिए और हम ऑफिस खरीद रहे हैं तो बाकी से तो फ्री मिल रहा हमको, है ना, तो एक्सेस इज नथिंग बट डीबीएमएस, ओके, तो वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, मेल हो गया और एक्सेस हो गया, यहाँ देखो यहाँ पे फिर ऑफिस मैनेजर एक टूल जुड़ गया, यहाँ पे है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट शेड्यूल प्लस बाइंडर एक्सेस बुकशेल्फ, ठीक है, तो ये 1995 का बात है और इसमें बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा अपने टाइम का जो कि हम लोगों ने कभी यूज भी नहीं किया है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे है ना 97 में वर्ड है एक्सेल है, वर्ड 97 वर्ड 98 दोनों आया था एक के बाद दूसरा, और एक्सेल पावर पॉइंट एक्सेस यहाँ तो ठीक है, पब्लिशर 97 पब्लिशर 98 पब्लिश करने के लिए, ठीक है, आउटलुक आ गया, आउटलुक एक्सप्रेस जो मेल था उसी का नाम आउटलुक हो गया बाद में, बुक सेल बेसिक्स आई डोंट नो ये क्या है, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर ये कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ एक सॉफ्टवेयर दिया था उसने माइक्रोसॉफ्ट ने, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर 98 उसका नेक्स्ट वाला वर्सन, ऑटोमैप स्टेट प्लस डायरेक्ट मेल मैनेजर एक्सपीडिया स्टेट 98, ठीक है, फाइनली
धीरे धीरे जो जिसका जरूरत नहीं पड़ा उसको हटाते भी चला गया। अब देखो नेक्स्ट वर्सन वो सवर गया, फ्रंट पेज था। फ्रंट पेज क्या है, किसी को आइडिया है क्या? तुम लोग HTML जानते हो? ओके तो HTML पे कैसे काम करते हो? HTML का कोड कहाँ लिखते हो, नोटपैड में या कोई एडिटर यूज करते हो? नोटपैड में भी लिखते हैं। ओके तो सारा टैग लिखना पड़ता है ना तुम लोग को? यस सर, लिखना पड़ता। तो अब देखो जैसे ड्रीम वीवर एक एडिटर है या फ्रंट पेज एक एडिटर हुआ करता था, उसमें क्या था ना कि एमएस वर्ड की तरह है ना, एमएस वर्ड की तरह तुमको डिजाइन करना था और उसके लिए जो टैग के साथ कोड लिखना है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता था। कौन है जी विक्की राज? विक्की राज क्या बात कर रहे हो? सॉरी सर, म्यूट। अगर तुम लोग अपना माइक को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो यहां से कंट्रोल करना शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ तो क्या कर रहे थे? हाँ तो फ्रंट पेज में क्या था ना कि अगर तुम कोई टेक्स्ट लिख रहे हो उसका तुम अगर साइज लिख रहे हो तो अपने आप वो H1 और H2 टैग जुड़ जाएगा, ठीक है? उसको कलर चेंज कर रहे हो उसका, उसको बोल्ड कर रहे हो और उस इंटरप्रेस कर रहे हो तो आपने बीआर टैग, मतलब जैसे बिल्कुल जैसे एमएस ऑफिस एमएस वर्ड में जैसे हम डिजाइन करते हैं वैसे ही तुम डिजाइन कर सकते थे वेब पेज, ठीक है? फोटो ड्रॉ भी था, फोटो के लिए जैसे हम लोग पेंट ब्रश यूज करते हैं उसी से थोड़ा बेटर कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप जैसा कुछ था लेकिन थोड़ा लाइट वेट था। तो ऐसा करते करते बहुत सारा सॉफ्टवेयर आया और गया, ठीक है? तो अभी हमको जो मिलता है वो क्या क्या मिलता है बताओ? अभी हमको जो मिलता है अभी हमको मिलता है देखो यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे आए और यहाँ पे आ जाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये ऑफिस, ऑफिस को क्लिक करते हैं तो देखो क्या क्या मिलता है। ऑफिस एक्सेस, ठीक है, ये 2007 दिख रहा है। एक्सेल, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक है? तो इतना अभी हम लोग को मिल रहा है एक्सेल में। ओके अब रहा क्या कि अब धीरे धीरे क्या है ना, पहले तो था कि पायरेटेड यूज होता था और माइक्रोसॉफ्ट का जो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलो उसको पता था कि बहुत ज्यादा मेरा पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है इंडिया में, फिर भी उसने मना नहीं किया, न मना किया न रोका न फाइन लगाया, कुछ नहीं किया। इससे एक बात तो ये हो गया कि विंडोज यूजर जो है इतने बढ़ गए, ठीक है, विंडोज यूजर इतने बढ़ गए और जब विंडोज यूजर बढ़ेंगे तभी तो विंडोज का एप्लीकेशन भी यूज होगा, ठीक है? यस सर। तो ये सारा का सारा चलता चला गया लेकिन अब थोड़ा सा अब स्ट्रिक्ट हो गया है माइक्रोसॉफ्ट और अब लाइसेंस वर्जन और अपडेट और इस बारे में बहुत बात हो रहा है। और अब एक बहुत बड़ा एक ऑफेंस भी है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आप पायरेटेड यूज करते हैं दैट इज अ बिग ऑफेंस। ओके तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? अगर हम एमएस वर्ड यूज करते थे आज तक, अब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक्सेल यूज करते थे, अब लाइसेंस की आवश्यकता है। तो मेरे पास क्या कोई ओपन सोर्स है, कोई फ्रीवेयर है इस तरह का इस्तेमाल करने के लिए? तो मेरे पास कुछ अल्टरनेटिव है ऑफिस के। ओके गूगल, गूगल वर्क स्पेस पे हम यूज कर सकते हैं, एप्पल ऑफिस सूट या आई वर्क, अपाचे ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस तुम लोग मोबाइल में यूज करते होगे ये वाला, फ्री ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन।
माइक्रोसॉफ्ट ने भी दिया है ऑनलाइन में, ऑनलाइन आओ काम करो ठीक है, लेकिन इंस्टॉल करोगे तो पैसा लेंगे। ओके, तो ये सारा का सारा मेरा अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो बहुत धड़ल्ले से बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ लैब में भी तुमको लिब्रे ऑफिस मिलेगा ठीक है। ओके, हम क्या क्या काम कर सकते हैं ठीक है, और स्प्रेडशीट है क्या? स्प्रेडशीट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, ऐसे समझते पहले, बोले फोटो से समझाते हैं तुमको। जिस समय हमारे पास कंप्यूटर नहीं था तो हम ऐसा काम करते थे, है ना, क्या किए, कुछ वर्टिकल्स और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे। हाय प्रिंस, हाउ आर यू? फाइन सर। तुम्हारा अभी तक दो साल में तुम्हारा डीपी नहीं बदला? नहीं, नो सर। डीपी लगाओ बढ़िया वाला, जैसे बुलेट कुमार लगाए हुए। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिए और इस तरह का हम लोगों ने एक शीट तैयार किया, है ना, इस तरह का शीट तैयार किया। और हम यहां देखो लिखे हैं कैश, है ना, कैश, और ये लिखा गया है नाइन, मतलब ये कहां है, कैश में डेबिट वाले कॉलम में, है ना। तो इधर से हम लोगों ने रो को एड्रेस किया और यहां से हम लोगों ने कॉलम को एड्रेस कर लिया, और रो और एड्रेस के इंटरसेक्शन में समझ में आ गया कि ये नौ किसके लिए लिखा गया है। समझ में आ रहा बात? यस सर। जैसे ये हम लिखेंगे, ये फाइव किसके लिखा गया है, तो भाई फाइव जो है वो अकाउंट रिसीवेबल के लिए लिखा गया है और ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट में लिखा गया है। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं, देखो ऐसा टास्क लिखे, स्टेटस लिख दिए, लेवल ऑफ, ऐसा हम लोग काम करते थे अकाउंट्स में। हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स के लिए भी ऐसी तरह का कॉपी भी मिलता था हम लोग को, याद होगा तुमको, है ना, छोटा छोटा खाना बना रहता था, वन टू अलग अलग लेटर लिखते थे ठीक है। तो ये सारा का सारा हमारा उस समय का शीट है जिस समय हम लोग बगैर कंप्यूटर के ये सब काम करते थे, तो उस समय इसको शीट ही कहते थे ठीक है। तो कैसे करते थे, जैसे ये अकाउंट का शीट है तो बोलते हैं अकाउंट शीट ठीक है, ये वर्क शेड्यूल शीट हो गया ठीक है, ये टास्क लिस्ट शीट हो गया। तो हम लोग सब मिला के हम लोग बोलते थे ये मेरा वर्कशीट है, ये हमारा वर्कशीट है ठीक है। कब तक इंटर करते रहोगे यार? ठीक है, तो व्हाट इज वर्कशीट? तो वर्कशीट इज अ शीट ऑफ पेपर ऑन व्हिच वन परफॉर्म वर्क, दे कम इन मेनी फॉर्म, अकाउंट वर्कशीट, टैक्स वर्कशीट और अदर बिजनेस रिलेटेड शीट्स। दी वर्कशीट्स कम इन रो एंड कॉलम एंड इच रोज एंड कॉलम इंटरसेक्शन मेक्स अ रेक्टेंगुलर बॉक्स कॉल्ड सेल। इच सेल हैव स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर रोज एंड कॉलम, ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? अब हमको ये बताओ कि अगर हमको चार शीट पे काम करना पड़ा ठीक है, अकाउंट शीट हम बनाए, जनवरी का बना लिए, फरवरी का बना लिए, मार्च बना लिए, अप्रैल बना लिए, मई जून जुलाई अगस्त, आज अगर पांच छह महीने का बना लिए, तो पांच छह वर्कशीट को, अकाउंट वर्कशीट को एक साथ अगर हम स्टैपल कर दे तो क्या बोलेंगे उसको, वर्कबुक बोल सकते हैं क्या? यस सर, बोल सकते हैं ना, अकाउंट वर्कबुक, एक बुक में मिनी शीट्स, क्लियर है? अब आओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अगर कोई पूछे तुमसे कि व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो क्या बोलना है? सबसे पहला जवाब वो होगा कि दैट इज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्यों? क्योंकि इसको स्प्रेडशीट कहते थे, इसको स्प्रेडशीट कहते थे, दैट्स वाई एक्सेल हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। यहां भी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, कुछ वर्टिकल लाइन है, और वो लाइन इंटरसेक्ट करके सेल बनाते हैं, और हर सेल का आइडेंटिफिकेशन उसके रोज और कॉलम से होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन इन विच वी डू अवर ऑल डेटा रिलेटेड वर्क, इन विच लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, फार्मूलाज, कंपैरिजन, etc. हैज बीन गिवन।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम और एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कह सकते हैं ना, ये हमारा फिजिकल वो A4 साइज वाला स्प्रेडशीट नहीं है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है. वी कैन यूज इट टू ऑर्गेनाइज अवर डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स एंड यूज इट टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्विकली. इट इज ऑल्सो यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइज न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड्स मल्टीपल फीचर टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक कैलकुलेशन, पाइवट टेबल्स, ग्राफिक्स टूल्स, माइक्रो प्रोग्रामिंग इटीसी. इट इज कंपेटेबल विथ मल्टीपल ओएस लाइक विंडोज, मैक ओएस, एंड्रॉयड एंड आईओएस. ठीक है, ये तो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन, क्या था, क्या कर सकते हैं हम लोग. इन एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट फॉर्म अ टेबल. अल्फाबेटिकल लेटर्स आर यूजुअली असाइन्ड टू द कॉलम्स. Alphabetical letters are usually assigned to the columns and numbers are usually assigned to the rows. The point where a column and the rows meet, intersect jaa ho raha hai, that is a cell. Theek hai, the address of cell is given by the letter representing the column and the number representing the row. Okay? Hum log abhi Excel kholenge to isko aur behtar tarike se samjhenge. Filhal is photo mein samajhne ki koshish karte hain. जब एक्सेल तुम ओपन करोगे तो ऐसा ही दिखेगा, दैट इज द स्प्रेडशीट. क्या ये स्प्रेडशीट पहले जो हम लोग काम करते थे वैसा नहीं लग रहा है क्या? वैसा ही तो है, बिल्कुल वैसा ही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला है, ये देखो कॉलम है ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कॉलम, और रो है मेरा न्यूमेरिकल ऑर्डर में. ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, A1. ठीक है, A1 पहले कॉलम तब रो. अगर मान लो हम इसकी बात करें, इसको बोलेंगे D5, पहले कॉलम तब रो. इसको याद रखने का एक तरीका ऐसा बना लो कि देखो इंटरनली जब हम यहां पे कोई डेटा लिखते हैं ना, तो इसको उस डेटा को A1 से रेफर करते हैं, A1 से रेफर, सेल नंबर से रेफर करते हैं. ठीक है, अगर कोई आदमी फ्लैट नंबर 104 में रहता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ना फ्लैट नंबर 104, मतलब वही आदमी. ओके, तो जिस तरह से प्रोग्रामिंग में हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल कुछ कुछ वैसा ही लगेगा तुमको देख के. A1 इज अ वेरिएबल नेम विच रिप्रेजेंट द डेटा इनसाइड दिस सेल. ओके, तो याद रखने का तरीका है, तो बहुत हम बार देखे हैं क्या कि A1 को बहुत बच्चे 1A बोल देते हैं. तो याद ऐसे रखना कि क्या तुमको पता, तुम जो प्रोग्रामिंग तो पढ़े हो, तो क्या वेरिएबल में कभी भी कोई वेरिएबल का नाम अल्फ नंबर से शुरू होता है क्या? नो सर, नहीं होता है. दैट मस्ट शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट. तो इसीलिए हम कभी भी 1A 2A नहीं कहेंगे, हमेशा अल्फाबेट पहले रखेंगे, नंबर बाद में रखेंगे. ओके ओके सर, ठीक है. तो देखो यहां जिसको क्लिक कर दोगे माउस से, जिस सेल को हम क्लिक कर देंगे वो एक्टिव सेल हो जाएगा. एक्टिव सेल कहने का मतलब कि अब हम कुछ टाइप करेंगे उसी एक्टिव सेल में मेरा दिखेगा, टाइप होगा. ओके, तो अब यहां पे ये वाला जो सेल देख रहे हो ना, ये बॉक्स जहां A1 लिखा हुआ है, ये एक्टिव सेल का एड्रेस है. जो जिसको क्लिक करोगे जो एक्टिव सेल होगा यहां दिखेगा. ओके, तो ये हो गया मेरा एक्टिव सेल का बॉक्स. मतलब ये लोग अभी क्या तरीका है यार, समझ में आ गया. चलो बाकी कुछ छोड़ देते हैं हम लोग, बाकी नया वाला वर्षा में बात करेंगे. ठीक है, देखो अच्छा देख लेते हैं. ये जो देख रहे हो ना फाइल एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सब जो है इसको बोलते हैं लोग टूल बार. इसको बोलते हैं लोग टूल बार, इसको बोलते हैं स्टेटस बार, और उसके नीचे जो आ रहा है उसको बोलते हैं रिबन. ओके, नेक्स्ट वाला जो आएगा हम देखते चलेंगे. ओके, तो सबसे पहले एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे करना है, कुछ नहीं करना है. अभी हम लोग गए थे स्टार्ट बटन पे क्लिक किए, वहां से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गए, ऑल प्रोग्राम गए, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे गए, वहां से हमको सारा का सारा दिख गया. वहां से ऑफिस 2007 पे क्लिक कर देंगे, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ऑफिस स्टार्ट हो गया तो कुछ ऐसा आएगा. मेरे पास जो मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है दैट इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007. ओके,
तो ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ओके देखो लिखा गया है बाय डिफॉल्ट दिस इज बुक वन। ओके और इस बुक में तीन शीट दिख रहा होगा, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। बाय डिफॉल्ट कोई भी अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अगर हम फाइल ओपन करते हैं तो जो बुक ऑन होता है, ओपन होता है, बाय डिफॉल्ट इट्स नेम इज बुक वन। और उसमें बाय डिफॉल्ट तीन शीट होते हैं। हम लोगों ने बात किया था ना कि वो मल्टीपल शीट को अगर एक साथ बंडल कर देते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड बुक। ओके तो ये है वर्कशीट, और ये तीनों वर्कशीट को एक बंडल बना दी तो वर्कबुक। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड में अगर कोई फाइल बनाओ और उसको सेव कर दो तो बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट के नाम से बता, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री। ठीक है, अगर तुम नाम नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के नाम से बता है। ठीक, उसी तरह से एक्सेल का जो फाइल बनेगा वो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री के नाम से सेव होगा अगर तुम कोई नाम नहीं देते हो। ओके तो ये जो फाइल सेव होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बुक। इनसाइड दैट बुक वी कैन यूज मी एज मेनी एज वी कैन एज मेनी एज शीट वी कैन यूज। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हो ना, इसको क्लिक करेंगे तो शीट ऐड हो जाएगा, और किसी शीट में जाके राइट क्लिक करके डिलीट करोगे तो शीट डिलीट भी हो जाएगा। तो हम ऐड कर सकते हैं जितना चाहे उतना शीट इसमें हम ऐड कर सकते हैं। सर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है क्या? सर मैक्सिमम कितना सीट ऐड कर सकते हैं? देखो 2007 के पहले हमको लगता है कि 40 था, और 2007 के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, और 255 आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन 255 तक हम ऐड कर सकते हैं शीट। ठीक है, शीट ऐड करने में हम लोग को बहुत ज्यादा लिबर्टी दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ओके ओके तो हमको यहाँ पे देखो ये सब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा पार्ट सब कुछ। ओके तो सबसे पहला जो सबसे लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो तुमको दिख रहा था ये वाला पोर्शन, ये ठीक है, ये क्या है? तो ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। In the upper left corner of the Excel 2007 window, there is a Microsoft Office button. When we click the button, a menu appears. We can use the menu to create a new file, open an existing file, save a file, print and perform many other tasks. आओ आते हैं Excel पे। ये Excel है मेरा, हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ क्लिक करते हैं तो हमको आता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। ठीक है, इधर वाले के पर अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, एक्सेल ऑप्शन, ये एग्जिट एक्सेल हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेल ऑप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये था मेरा एक्सेल ऑफिस बटन। ठीक है, इसके ठीक बाद में मेरा आता है द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन is the quick access toolbar. The quick access toolbar gives us quick access to the command we frequently use. यहाँ पे देखो ये है मेरा save का button, ये है undo, redo, और एक छोटा सा यहाँ पे down arrow लगा हुआ है। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। ठीक है, ये है save, ये है मेरा undo, redo, ठीक है, और ये है मेरा open के लिए। ठीक है, ये बाद में add किए हम इसको बाद में, है ना। तो ये यहाँ तुमको बताया था ना ये वाला ऑप्शन, यहाँ से हम लोग टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों हम लोगों ने ऐड किया है फॉर्म, एक्सेल का फॉर्म बाद में बताएंगे तुम लोगों। ये वाला देखो, इसको क्लिक करते हैं हम लोग तो मेरे पास ये वो सारा का सारा ऑप्शन आता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, हम लोग क्विकली एक्सेस कर सकते हैं किसी चीज को यहाँ से। ओके, इसके बाद आता है ये द नेक्स्ट टू द क्विक एक्सेस टूल बार इज अ टाइटल बार। टाइटल जहां पे कि फाइल का नाम लिखा जाएगा। फाइल का नाम लिखने का मतलब कि जैसे अगर मान लो हम बात करें बुक वन है और इसको हम यहां पे आके सेव एज कर दे, और सेव एज में अगर हम लिख दे माई फर्स्ट बुक,
ठीक है, तो ये मेरा देखो टाइटल में वो नाम लिखा गया मेरा, है ना, वो नाम मेरा यहाँ पे लिख दिया गया, तो ये है टाइटल बार। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आते हैं रिबन। पहले वाले वर्सेस में क्या था ना कि हम लोग को क्लिक करना पड़ता था, और क्लिक करने के बाद हमको ड्रॉपडाउन मेनू मिलता था, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते थे, और हमको ऑप्शन क्लिक करने के बाद वो मेनू वापस कोलैप्स हो जाता था, और नेक्स्ट टाइम को फिर क्लिक करना पड़ेगा, फिर मेनू खुलेगा, फिर क्लिक करेंगे, जैसे बाकी सब सॉफ्टवेयर में होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट 2007 उसके बाद लेटर सारे वर्सन में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि हर टैब का जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो बटन है उस सबको यहाँ पे डिस्प्ले कराना शुरू कर दिया, वो आप फिक्स रहेगा। मतलब आपको अगर बोल्ड करना है डायरेक्टली बोल्ड कर लीजिए यहां से, अब पहले जैसा जाके फॉन्ट में बोल्ड करके उतना नहीं काम करना। ओके, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 वी यूज द रिबन टू इश्यू द कमांड्स। द रिबन इज लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो बिलो द क्विक एक्सेस टूलबार। ओके, ये हमारा जो है ये हमारा है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम जब होम टैब को क्लिक करते हैं तो जो ड्रॉप डाउन आता था पहले, उसी ड्रॉप डाउन में से बहुत सारे, सब तो नहीं कर सकते, बहुत सारे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं उसको हम लोगों ने इस एरिया में, देखो ये लाइन देख रहे हो ना, ये डार्क ब्लू है, उसके लाइट, उसके नीचे जो लाइट ब्लू वाला एरिया है, ये पूरा इतना बड़ा पट्टा, उसको बोलते हैं रिबन, उसको बोलते हैं रिबन। ओके, तो जब हम होम बटन क्लिक करते हैं, जब हम होम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये मेरा एक्टिव टैब है, और ये सब टैब अभी एक्टिव नहीं है। तो जो एक्टिव टैब है उसका सारा रिबन में दिखेगा कमांड। अब हम क्लिक करते हैं इंसर्ट को, ध्यान देना जैसे इंसर्ट को एक्टिव करेंगे तो इंसर्ट वाला सब आ जाएगा यहां। पेज लेआउट को क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट का सारा कमांड हमको रिबन पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो हम जो टैब को एक्टिव करते हैं उस टैब के रिलेटेड, उस टैब से रिलेटेड जो कमांड्स है वो सारे हमको दिखने शुरू हो जाएंगे, कहां, रिबन पे। ओके, अब देखो रिबन में भी अलग अलग ग्रुप बनाया गया। पहला ग्रुप ये वाला, इसका नाम है क्लिपबोर्ड, और यहां पे छोटा सा एरो का निशान भी है, ये है हमारा फॉन्ट ग्रुप। ठीक है, लिखा गया फॉन्ट, यहाँ छोटा सा एरो का निशान भी है, एक छोटा सा ग्रुप यहाँ भी है, उसका नाम रखा गया अलाइनमेंट, एक छोटा सा एरो का निशान यहाँ भी है, नंबर भी है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो यहां तक तो समझ में आ गया कि हमको रिबन किसको कह रहे हैं और हम टैब किसको कह रहे हैं। ओके, तो ये हो गया टैब, ये हो गया मेरा बटन, और ये हो गया ग्रुप, है ना, रिबन का कमांड का ग्रुप, ये फॉन्ट ग्रुप, ये क्लिपबोर्ड, ये अलाइनमेंट ग्रुप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो बात क्या है, बात ये है कि अगर मान लो हम फॉन्ट में फॉन्ट ओपन करते तो फॉन्ट में जितना पार्टिकुलर्स आता कमांड का वो सारा का सारा हम रिबन पे नहीं शो कर सकते, क्योंकि जगह तो मेरा लिमिटेड है ना, हम पूरा का पूरा स्क्रीन है, काम करने के लिए भी जगह छोड़ता है, ऊपर टैब भी रहेगा, ऊपर मेरा टाइटल बार भी रहेगा, और रिबन के लिए बहुत कम जगह मिलता है, रिबन के लिए बहुत ज्यादा जगह हम ऑक्यूपाई करेंगे तो मेरा वर्क एरिया छोटा हो जाएगा। यस सर, नो, यस सर, हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिटेड जगह है जहां पे हम दिखा सकते हैं, तो क्या होता है ना कि हर ग्रुप में सब चीज यहाँ पे शो नहीं हो पाता है, फ्रंट ग्रुप का सब चीज यहाँ पे शो नहीं हो पाता है, तो वैसा कोई चीज इस ग्रुप का, फ्रंट ग्रुप का वैसा कोई कमांड या कोई ऐसा बटन हमको चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तब क्या बोलेंगे हम लोग, तब इस छोटे वाले एरो को क्लिक करते हैं। ठीक है ना, ये मोर ऑप्शन के लिए है, इसको क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड का मोर ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का मोर ऑप्शन, इसको क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट का मोर ऑप्शन। ठीक है, एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो फॉन्ट को पूरा का पूरा तुम्हारे सामने खोल के रख देगा, पूरा डायलॉग बॉक्स। ठीक है,
अब जिस सेल को हम क्लिक कर देते हैं हो जाता है मेरा एक्टिव सेल, और एक्टिव सेल कहने का मतलब कि अभी हम कुछ टाइप करेंगे, कुछ राइट करेंगे तो हमको इसी में लिखा जाएगा। और क्योंकि हमारे पास बहुत नीचे जाने के बाद अगर कोई सेल है तो हमको कैसे पता चलेगा, हम तो निशाना बैठाते रह जाएंगे ना, ऊपर कौन नीचे कौन, ठीक है। तो क्या हुआ, एक्सेल ने एक अलग से एक टैब दिया गया है जिसमें जो तुम्हारा जो एक्टिव होगा उसके एड्रेस ऑटोमेटिक तुम यहाँ देख सकते हो, तो तुमको निशाना लगा के देखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा एक्टिव टैब है तुम्हारा, ये रोज ये कॉलम, ठीक है। ईच रेक्टेंगुलर ग्रिड इन अ सेल इज अ इन द वर्कशीट, ठीक है। शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, बाय डिफॉल्ट तीन शीट है, ये पुराना वाला वर्जन है इसलिए प्लस का साइन दिया गया, नए वाले वर्जन में जो दिखाए थे वैसा रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्क्रॉल बार है, हमको अगर हमको कॉलम में स्क्रॉल करना है तो ये यूज करेंगे, और रोज में स्क्रॉल करना है हॉरिजॉन्टल तो ये स्क्रॉल बार यूज करेंगे। हमको लगता है ये सब तो तुम लोग कब का जानते होगे। यस सर, यस सर। ओके, तो हमको छोड़ना कुछ नहीं है, हो सकता है कोई ना जानता हो, है ना। ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्होंने यहाँ आके ही फर्स्ट टाइम कंप्यूटर देखा हो, ठीक है। तो बाय कंसल्टिंग देम मैं जानते हैं कुछ। हाँ जी, कौन क्या बोला? यस सर, डिटेल में जाइए। अच्छा हाँ बिल्कुल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट, ईच वर्कशीट कंटेन कॉल रो एंड कॉलम, द कॉलम्स आर लेटर ए टू जेड एंड देन काउंटिंग विथ ए ए ए बी ए सी एंड सो ऑन, एंड द रोज आर नंबर्ड 1, 2, 1048, 1048, 5, 7, 6, ठीक है। इतना नंबर तक हम जाएंगे रो में। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉलम कोऑर्डिनेट एंड अ रो कोऑर्डिनेट मेक अप अ सेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल, द सेल लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्कशीट इज सेल A1, मीनिंग कॉलम ए रो 1, एंड सेल E10 इज लोकेटेड अंडर द कॉलम ई एंड रो 10। कहीं दिक्कत हो कुछ ना। वी एंटर आवर डेटा इनटू द सेल ऑन द वर्कशीट, हमको वर्क जो सेल है उसी के अंदर डेटा लिखना है, और जिस सेल के अंदर डेटा लिखना होगा उसको एक्टिव करना पड़ेगा। हम माउस से क्लिक करके उसको एक्टिव कर सकते हैं, और अगर कोई सेल एक्टिव है तो टैब बटन से या अप एरो डाउन एरो से भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। A1 पे है, अगर हम राइट एरो दबा दें तो मेरा ऑटोमेटिकली A2 में एक्टिव सेल चलाएगा। तो लास्ट कॉलम जो होगा मेरा XFD होगा, जो कॉलम का नंबर होगा 16384, ठीक है। और अगर हम लास्ट रो को देखें तो ये मेरा इकाई दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 10,48,576, ये होगा टोटल नंबर ऑफ रोज और ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें इतना नंबर ऑफ सेल बनेगा मेरा, इतना नंबर ऑफ सेल बनेगा, और ये इतना बड़ा शीट, इतना बड़ा शीट अगर हम अगर सच में बनाना चाहें हार्ड कॉपी तो कितना बड़ा शीट लगेगा सोच के देखो। तो एक्सेल ने इस बारे में कोई कसर नहीं छोड़ा है कि आपका शीट इतना बड़ा बना दें ताकि आपका कोई ऐसा काम नहीं हो जो एक शीट पे ना हो सके। यस सर, ठीक है। ओके, और एक्सेल में सबसे नीचे में, मतलब ये शीट वाले के भी नीचे में, हम करके दिखाते हैं। अच्छा ये है ना A1 देख रहे हो तुम लोग, देखो ये लास्ट है, कंट्रोल दबा के राइट एरो, ठीक है। कंट्रोल अगर ऐसे राइट एरो दबाएंगे तो एक एक सेल बढ़ेगा, कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो लास्ट में चला जाएगा। तो ये वाला है लास्ट XFD, है ना, और ये हो गया XFD1, तो XFD1 हो गया। अगर हम कंट्रोल दबा के डाउन एरो दबाएं तो ये लास्ट वाले सेल में चला आएगा, दैट इज 10,48,576 रो है
और कॉलम एक्स एफ डी, ठीक है। और इस सेल का एड्रेस क्या होगा, एक्स एफ डी, दैट इज द रो नंबर एंड दैट इज द कॉलम नंबर। ओके, चलो वापस हम आ जाते हैं ए वन पे। अच्छा ये देखो, ये तो शीट वाला हो गया ना, यहां से क्लिक किया तो शीट बढ़ गया, एक शीट और बढ़ गया, एक शीट और बढ़ गया, ठीक है। जितना शीट चाहिए उतना शीट बढ़ाते जाएंगे, और शीट वन शीट टू भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग जब चाहेंगे ना इसका रीनेम कर सकते हैं। मान लो शीट वन है, ये जनवरी का डेटा है, तो हम यहाँ पे रीनेम लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे जनवरी, ठीक है। और जो शीट तुम्हारा अनवांटेड है उसको राइट क्लिक करके जैसे ऐड के तरह से डिलीट भी करते चलो, जो आया है वो जाएगा, है ना, ये तो सत्य है इस दुनिया का। तो जिसको ऐड किया तो उसको डिलीट भी कर, रिमूव कर। उसके नीचे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये है मेरा स्टेटस बार। इसमें जब कुछ हम लोग ऐड वैड करते हैं ना कुछ, तो जैसे मान लो सेलेक्ट करोगे तो यहां खुद ब खुद एवरेज मिल जाएगा, कितना नंबर तुम सेलेक्ट किए वो आ जाएगा, सम आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली ये दिखाएगा हमको, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटस बार। ओके, तो ये स्टेटस बार यहां दिखा देते हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या आपको लेटर लिखना पड़ेगा, तो लेटर लिखने के लिए ये उपयुक्त सॉफ्टवेयर है क्या, एप्लीकेशन लेटर या ऐसा कुछ भी कंटेंट लिखना हो तो? नो सर, नहीं, उसके लिए हमारा वर्ड प्रोसेसर है, है ना। हमको जो शीट पे काम करना हो, तुम्हारा अटेंडेंस लेना है तो मेरे लिए ठीक है ना, रोल नंबर वाइज, डेट वाइज, और रोल नंबर, डेट रोल नंबर वन का एक नंबर एक तारीख में बना दिए, फिर ये लिख दिए, काम खत्म हो गया, ठीक है। तो वी कैन डू वेरियस वर्क विद एक्सेल शीट, शॉर्ट आइटम्स बाय कॉलम, कैलकुलेट आइटम इन अ रो एंड अ कॉलम, क्रिएट अ ग्राफ और चार्ट, परफॉर्म कैलकुलेशन, बजट बना सकते हैं, ठीक है। और तुम देखोगे कि जिम में जो मैनुअल शीट देता है, कौन किस दिन कौन सा एक्सरसाइज करना है, दैट इज अगेन अ मेरा स्प्रेडशीट ही रहता है ना, किस दिन बाइसेप करना है, किस दिन अपर करना है, किस दिन लोअर करना है, वो सारा का सारा चीज तो हम उसको एक्सेल में कर सकते हैं। कैलोरी का ट्रैकआउट कर सकते हैं हम लोग, कैलोरी लिस्ट बना सकते हैं, फोन नंबर बना सकते हैं, ये सब तो बहुत छोटा छोटा है, बच्चा वाला खेल है। तुम लोग और क्या कर सकते हो, एमआई रिपोर्ट बना सकते हो, अकाउंट डिटेल बना सकते हैं हम लोग, पूरा कंपनी का पूरा बिजनेस हम एक्सेल में मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, बता पहले। यस सर, यस सर, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, और अगले क्लास में आगे बात करेंगे हम लोग।